सारे बोलो हालेलुया। आइए हम सब अपने स्थानों पर बैठें और परमेश्वर के वचन को जो लोग ध्यान से सुन रहे हैं, परमेश्वर उनकी जिंदगी में काम कर रहा है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं वचन के समय आप उठा मत करो, आपको मौका मिलना चाहिए। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। जो लोग वचन का आदर करते हैं परमेश्वर उनका 100 गुना आदर करवाता है, याद रखना। बाइबल बोलती है जो वचन का आदर करेगा परमेश्वर भी उनका आदर करता है। सम्मान देने की बात होती है वचन में जब आप बैठते हैं और सुनते हैं दो घड़ी, इसीलिए फिर भटकता है आदमी दाएं बाएं। मेरे कहने को समझ रहे हैं लोग, फिर वो पास्टर भी अच्छा नहीं लगता, विश्वासी भी अच्छे नहीं लगते, फिर चर्च भी नहीं अच्छा लगता, एक दिन उन्हें दुनिया भी अच्छा नहीं लगती और वो सुसाइड कर लेते हैं। उन लोगों की बात कर रहा हूं, एक दिन ये गोलगप्पे ये टमाटर ये बैंगन भाई साहब मत खाया करो, बाहर बीमार हो जाते हो, फिर आगे टिड खराब हो गया, दवाइयां लेते हो, किसी कोई रेड़ी देखी उसी पे खाने लगे। आपको समझना है आप वचन सुनने के लिए आए हैं, वचन की खुराक खाओ, आपका पेट वैसे ही भर जाएगा आज। आमीन। और गेट बंद कर दे बाहर वाला, कोई बाहर नहीं जाएगा, गेट बंद कर दे, गेट बिल्कुल बंद कर दे, और जो बाहर जाए एंट्री बंद कर दे। सारे बोलो हालेलुया। आइए हम सब अपने सिर पे हाथ रखें और परमेश्वर के वचन का आदर करेंगे। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में 100 गुना फल दे आपको। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर कि आज इस समय मेरे प्रभु जी जो लोग तेरे वचन को सम्मान दे रहे हैं परमेश्वर, इनकी जिंदगियों में आज से आशीषें आना स्टार्ट हो यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं फिर से कह रहा हूँ कि परमेश्वर ऐसे लोगों को आशीर्वाद दे रहे जो लोग वचन का आदर कर रहे हैं, जो लोग वचन सुनने के लिए आए हैं वो लोग वचन के द्वारा ही आज चंगे हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। अपने सिरों पर हाथ रखो। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर आज तेरा कलाम जब खुले अंधे देखे लंगड़े चले कोड़ी पाक शाक किए जाएं, गुनेगार अपने गुनाहों से नजात पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, और मेरे प्रभु इनका छुटकारा होने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, बड़ी आशीषें खुलने पाए आज यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग को खोल देता हूं परमेश्वर, मैं ब्लेसिंग को खोल देता हूं परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर तेरा अनुग्रह परमेश्वर इनके ऊपर स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु एक बड़े आनंद को देखने पाए आज मेरे पिता, मैं विश्वास करता हूं कि जितने लोग मुझे समय लाइव भी देख रहे परमेश्वर, जिसके कान में तेरा वचन पड़े और समझ में आए मेरे पिता परमेश्वर, इनकी जिंदगियां बदल जाएं आज यीशु मसीह नासरी के नाम में। मेरे प्रभु ये 30 गुना नहीं 60 गुना नहीं 100 गुना बढ़ने पाए यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर जितने लोगों ने तेरे वचन का आदर किया इनकी जिंदगियां आज से परमेश्वर सच में तेरे हाथों में है। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर तू इनके बच्चों को छुएगा आज, इनकी फैमिली को छुएगा आज, इनके बंद पड़े बिजनेस को छुएगा आज यीशु मसीह के नाम में। मेरा परमेश्वर आपको छुएगा और एक बड़े आनंद के साथ इस हफ्ते में लेकर आएगा, आप सेलिब्रेशन करेंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। जो आमीन बोल रहे हैं वो सेलिब्रेशन कर रहे हैं, जो ताड़ियां बजा रहे हैं वो सेलिब्रेशन कर रहे हैं, हालेलुया, वो आनंद मनाओ, ताड़ी बजाकर आनंद मना रहे हैं परमेश्वर के कलाम का। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। जल्दी से निकालें याकूब की पत्री उसका 1:22 फर्स्ट चैप्टर और उसका 22 ध्यान से पढ़ेंगे, परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको छुए और बड़ी बरकत दे, जल्दी से निकालें सब। अगर आज आप आपके लिए कोई डोर नहीं खुला, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि शायद मेरी जिंदगी में कोई डोर नहीं खुला हुआ, हो सकता है कि आप बच्चा मांग रहे हो और बच्चा ना हुआ हो सकता है कि आप चंगाई मांग रहे हैं लेकिन आपके घर में चंगाई नहीं हो रही, हो सकता है कि आप जॉब मांग रहे हैं जॉब नहीं मिल रही, और जब आदमी परेशान हो जाता है तो वो सोचता है बार बार कि शायद परमेश्वर मेरे लिए एक भी दरवाजा नहीं है, क्या मेरे दरवाजे कब खुलेंगे। याद रखना कि आज मैं ऐसे लोगों को आज वचन से समझाने के लिए आया हूं कि आपके लिए परमेश्वर ने कभी दरवाजा बंद ही नहीं किया, कभी बंद ही नहीं किया। आप ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर मेरे लिए कब खोलेगा, बाइबल बोलती है कह रहा है कि आज जितने वचन को सुनेंगे और ग्रहण करेंगे उनके लिए परमेश्वर दरवाजा खोल कर रखेगा, कभी बंद नहीं करेगा।
जो आमीन बोल रहे हैं वो अपने लिए दरवाजा खुलवा रहे हैं। आमीन। जो रिसीव कर रहे हैं वो अपने लिए दरवाजा खुलवा रहे हैं। आमीन। जो हालेलुया बोल रहे हैं दरवाजा खुला रहे हैं। हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। ये परमेश्वर है आपके लिए दरवाजे खुलेंगे आज रात चर्च आमीन बोलने वालों के लिए। आमीन। सारे रिसीव करें और तारीफ करें जोर से यीशु मसीह की। मैं आज ऐसे लोगों से बात कर रहा हूं कि अगर आज आप नाकाम है अपनी जिंदगी में, बेशक आपका कोई काम ना बनाओ, बेशक आपकी जिंदगी में एक भी चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन आज वचन को सुनने वाले लोगों मैं तुम्हारे लिए प्रोफेसी कर रहा हूं कि मेरा परमेश्वर आज आपके लिए द्वार खोलने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन। तुम्हें कह रहा है कि उस द्वार तक पहुंचना है, बस कह रहा वचन बोल रहा है, कह रहा द्वार सबके लिए खुला हुआ है। देखो आप समझ रहे हैं कि स्वर्ग सबके लिए खुला हुआ है, लेकिन स्वर्ग तक पहुंचना है, कौन कौन जाएंगे स्वर्ग तक? सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आपके लिए दिल्ली इंडिया गेट खुला हुआ है, खुला हुआ है वो, लेकिन कौन जाएगा उस गेट तक? उनको नहीं पता है कौन जाएगा, लेकिन मैं बता रहा हूं कि आप गेट तक चले जाते हैं लेकिन अंदर कोई कोई जाता है। आपको मैं राजा महाराजा भी गेट खोल कर रखते हैं, जिस दिन उन्होंने मुलाकात करनी होती है अपनी प्रजा से उस दिन उनकी सुनने के लिए वो गेट खोल कर रखते हैं, लेकिन उस गेट तक तो आप चले जाते हैं लेकिन अंदर नहीं जा पाते। मैं कह रहा हूं कि क्योंकि आज बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि मसीह में लोग आने के बाद कई बार निराश क्यों हो जाते हैं, क्योंकि उनके लिए गेट खुला तो है, बंद यीशु मसीह ने कभी किया ही नहीं है, उनके लिए हमेशा गेट खोल रखा है, लेकिन आपके लिए जो गेट खुला हुआ है वो कभी बंद नहीं होने वाला। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हमें गेट तक पहुंचना है। जब आप वचन का आदर कर रहे हैं आप गेट तक पहुंच गए आशीषों के। हालेलुया। जब आप बाइबल पढ़ते हैं, जब आप चर्च आते हैं, जब आप बीज डालते हैं, दशमान डालते हैं, प्रार्थना करते हैं, इसका मतलब एक एंजल आपको उठाकर परमेश्वर के आशीषों के गेट के पास बिठा देता है। जैसे अंधे भिखारी को गेट के पास बिठा दिया, मैं कह रहा हूं कि एक लंगड़े भिखारी को मंदिर के गेट के बाहर बिठा दिया लोगों ने। आज बहुत सारे लोग अगर आज समस्या में है, कर्जे में है, परेशानी में है, किसी भी प्रॉब्लम्स में है, जब आप एक विनती परमेश्वर से करते हैं एक एंजल आपको उठाकर गेट के पास बिठा देता है। बस आप विश्वास करो, ओनली फॉर 5 मिनट्स में आप गेट के अंदर घुसने वाले हो, आशीष से लेने वाले हो। आमीन। आपके लिए आशीष का दरवाजा बिल्कुल बस पास में ही है। आमीन। आशीष का दरवाजा पास में होता है मसीह लोगों के, लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि आशीष अब निकालनी कैसे है। लेकिन आज अगर आप दरवाजे तक पहुंच गए हो, आपकी आशीषें भी आने वाली हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बोला हालेलुया। हालेलुया। एक आदमी बता रहा था, कह रहा पास्टर जी मुझे रोज मेरे गांव में नीचे खेत में गड्ढे में मुझे एक ड्रीम्स आता है और मुझे वहां पर 10 घड़े सोने के दिखाई देते हैं। मैंने कहा बैठे तेरी तो चांदी होगी फिर। बोला कह रहा हां जी। कह रहा मैं खोद लूं? मैंने कहा वहां कुछ नहीं मिलेगा तुझे। लेकिन बोलता नहीं जी, बस वहीं पर है सब कुछ। और जब उसने गड्ढा खोदा और गड्ढे खोदते ही उसकी आवाज आने लगी ठन ठन, उसने सुना कि सोने की आवाज आने लगी उसको। जब गहराई में चला गया और नीचे कूद गया, कई दिन मेहनत लगी उसको, और जब नीचे कूदा उसके बाद सांप ने उसको दर्शन दिए और सांप को देखते ही भाग आया। बोलता है खैरा जी आशीष का दरवाजा तो था यही, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। और वही मसीह व्यक्ति एक बाबे के पास भाग गया और बोलता है, कह रहा बाबा जी धन तो था यहां पर, कहां गया? कह रहा कि मैंने अपना घर सारा खोद मारा, पत्थर भी फाड़ दिया, सब कुछ कर दिया, धन नहीं मिला। लेकिन वो बाबा उसको बोल रहा था, कह रहा बेटे था तो वैसे ही पंजाबी च, पर हूं किसी और दे घर चला गया। मैं क्या तेरे कहने का मतलब है कि अपा हूं दूजिया का घर पाड़िए? पहला तू साडा घर फड़वाया, अब दूसरा घर फड़वाने के चक्कर में
याद रखना, मेरा परमेश्वर आपका घर फाड़ने के लिए नहीं आया, आपके घर को डबल करने के लिए आया यीशु मसीह के नाम में। आमेन। आज आपका तो घर डबल होगा, आपके पड़ोसियों को भी आशीष मिलकर जाएगी यहाँ से यीशु मसीह के नाम आमेन। में अपने पड़ोसी को बोलो, आज मैं तेरे भी सोने के घड़े भरवाऊंगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करते हो आप? आज परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करने वाला है। पढ़ो याकूब के 1:22 में, जिसको सोने के घड़े लेने हैं, 1:22 पढ़ो। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, हाँ हाँ, और केवल सुनने वाले ही नहीं, हाँ, जो अपने आप को धोखा देते हैं, हाँ हाँ। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। हाँ, बाइबल में लिखा वचन पर चलने वाले बनो, सुनने वाले ही नहीं। कह रहे जो लोग अपने आप को धोखा देते हैं, वो लोग जो वचन को सुनते हैं और बोलते हैं व्हाट अ मैसेज। मैं जब इंग्लैंड के अंदर गया, जब थोड़ा सा मैसेज करते थे इंग्लिश में, ट्रांसलेशन करते थे या कहीं फॉरेन में, तो वहां पे फटाफट फॉरेनर लोग ऐसे बोलते थे व्हाट अ मैसेज, व्हाट अ लाइन, या वाह, क्या मैसेज है, क्या बात बताई पादरी ने, क्या गहराई की बात बताई पादरी ने। लेकिन वो सिर्फ वचन को सुनते हैं। लेकिन उनके घर चले गए तो शराब की, उनकी दुकानों में शराब है और वो बेच रहे हैं। इसका मतलब वचन को वो सुन रहे हैं और मान नहीं रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? कह रहे आप आशीष के दरवाजे तक आ तो गए हैं, लेकिन आप 5 मिनट की दूरी पर हैं। अगर आप वचन को मान लेंगे, मैं कह रहा हूं कि जिसे आप ढूंढ रहे हैं, जिस आशीष को, वो आज आपके हाथ में पकड़ने आने वाली है। चर्च आमेन। आप पकड़ने वाले हैं आज, इसलिए यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें पूंछ नहीं पकड़वाऊंगा, अरे मैं तुम्हें पूंछ नहीं बनाऊंगा, कह रहा सिर ठहराऊंगा सिर। हालेलुया, हालेलुया। कह रहा मैं तुम्हें नीचे नहीं रखूंगा, ऊपर रखूंगा, तुम्हारे मस्तक ऊंचे होने वाले यीशु मसीह के नाम में। हर शर्मिंदगी आपकी जाने वाली है यीशु मसीह के नाम में। अगर आप वचन का आदर कर रहे हैं, परमेश्वर आज आपको शर्मिंदगी से छुड़ाने वाला यीशु मसीह के नाम में। वो नाकाम असफल जो थे लोग, वो सफल होने वाले हैं इस हफ्ते के अंदर यीशु मसीह के नाम में।